मैं गीता बहुत पढ़ती हूँ। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि जो तुम्हें करना है करो, परिणाम की चिंता मत करो। जैसा भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये बात एथलीट मनु भाकर ने पेरिस में खेले जा रहे ओलंपिक में पदक जीतने के बाद कही थी, जिन्होंने फिर एक बार ऐसा इतिहास रचा है जो आज तक कोई भारतीय नहीं कर सका। दरअसल पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर की पिस्टल से निकली गोली ने भारत को एक और मेडल दिलाने का काम किया। इसी के साथ भारत की मेडल की संख्या तो दो हो ही गई, साथ ही एक ही ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली मनु भाकर पहली भारतीय एथलीट भी बन गई है। मनु भाकर ने अपने पार्टनर सरबजोत सिंह के साथ मिलकर भारत के लिए दूसरा मेडल जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड टीम इवेंट के ब्रॉन्ज मेडल मैच में मनु और सरबजोत ने कोरियाई जोड़ी को 16-10 से हराया। इससे पहले 28 जुलाई को पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल के सिंगल्स इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाया था। पेरिस में जीते अपने पहले ब्रॉन्ज के साथ ही मनु ने मेडल टैली में भारत का खाता खोला था और अब पेरिस में मिली पहली कामयाबी के 48 घंटे बाद मनु भाकर ने एक और ब्रॉन्ज अपने नाम कर इतिहास रचा है। बता दें, पेरिस ओलंपिक में दो मेडल जीत चुकी मनु भाकर ने टोक्यो में ओलंपिक डेब्यू किया था। तब उनकी उम्र महज 19 साल थी। तब उन्हें वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा था। रिपोर्ट्स की माने तो टोक्यो में शूटिंग के दौरान उनकी पिस्टल फंस गई, जिससे वो बाहर हो गई थी। क्वालिफाइंग राउंड में मनु को 55 मिनट में 44 शॉट लेने थे, तभी उनकी पिस्टल खराब हो गई और वो फाइनल की रेस से बाहर हो गई। टोक्यो ओलंपिक में पदक से चूकने की वजह से लंबे समय तक मनु डिप्रेशन के दौर से गुजरी। घर में शूटिंग छोड़ने तक का जिक्र होने लगा था। फिर मनु ने गीता पढ़ते हुए अपने मन को साधा और योग से तनाव दूर किया। हालांकि परिवार ने मनु का पूरा साथ दिया। माँ सुमेधा बताती है कि मैं मनु का मैच नहीं देख पाई थी। बाद में उसका वीडियो देखा तो बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि जब मैं दुखी हो रही हूँ तो मनु की हालत क्या हो रही होगी। उन्होंने बताया कि मैंने मनु की पिस्टल छिपा दी ताकि उस पर नजर ना पड़े और वो दुखी ना हो। वहीं मनु भाकर के राम किशन भाकर पिता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मनु ने कभी हौसला नहीं गवाया। पेरिस ओलंपिक में शामिल होने से पहले जमकर मेहनत की, 10 से 12 घंटे तक हर रोज अभ्यास करते हुए फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखा। अब ओलंपिक में पदक जीतने वाली देश की पहली महिला निशानेबाज बन गई है मनु। कहा जाता है मनु भाकर ने बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, स्केटिंग, जूडो और कराटे जैसे खेल को अपनाने के बाद 14 साल की उम्र में दिल से लगाया शूटिंग को। 14 साल की उम्र में मनु ने शूटिंग में करियर बनाने का फैसला लिया था। तब रियो ओलंपिक खत्म हुआ था। इसके बाद मनु ने अपने पिता किशन भाकर से पिस्टल लाने को कहा था। 2016 में जब मनु ने तय किया कि शूटिंग ही भविष्य है, तो मरीन इंजीनियर पिता राम किशन भाकर ने नौकरी छोड़ दी और बेटी के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। 5 साल के भीतर ही मनु ने कामयाबी भी खूब देख ली थी। 2017 के नेशनल शूटिंग चैंपियन में उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में वर्ल्ड नंबर 1 रही हिना सिद्धू को हराया। मनु भाकर ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय है। वो गोल्ड कोस्ट 2018 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कॉमनवेल्थ गेम्स की चैंपियन भी है, जहां उन्होंने CWG रिकॉर्ड के साथ शीर्ष पदक जीता था। मनु भाकर न्यून्स आयर्स 2018 में यूथ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज और देश की पहली महिला एथलीट भी है। उन्होंने पिछले साल एशियाई खेलों में महिलाओं की 25 मीटर टीम पिस्टल का खिताब जीता था। मई 2019 में मनु ने म्यूनिक ISSF विश्व कप में चौथे स्थान पर रहने के साथ ही 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 2021 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। अगस्त 2020 में मनु भाकर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक वर्चुअल पुरस्कार समारोह में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। मनु भारत में शूटिंग की पोस्टर गर्ल है। उनकी लोकप्रियता सोशल मीडिया पर भी खूब है। इंस्टाग्राम पर 2 लाख तो एक्स पर 1.5 लाख फॉलोवर्स है। बता दें, हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु भाकर आजादी के बाद एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस जीत के बाद गांव में जश्न का माहौल है। राष्ट्रपति PM मोदी से लेकर दिग्गज हस्तियों ने मनु भाकर को बधाई दी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही
और वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।